बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको टीनेज गर्ल की कलियों वाली फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने 3-10 कपड़ा लिया, इससे मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। इस कपड़े की टोटल चौड़ाई जो है 37 इंच है। अब मैं इसकी लंबाई नाप के अजाफी पीस उतार दूंगी। मैंने इसकी टोटल लंबाई जो है 39 इंच रखनी है, यानी के 39 इंच। इसके तीरे की चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और कंधे की गहराई भी 8 इंच ही रखूंगी, ऊपर से आधा इंच होते हुए। नीचे से मैं लूंगी 7 इंच और बैक साइड की लूंगी 8.5 इंच। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करूंगी और ये बैक साइड की इस तरह से। ये फ्रंट साइड का आर्म होल होगा, ये बैक साइड का। चेस्ट की चौड़ाई होगी मैं 10 इंच। आधा इंच मैंने ज्यादा लिया। कमर की चौड़ाई होगी मैं 9 इंच। और यहां से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा करूंगी नीचे से तकरीबन 3 इंच छोड़ते हुए। और ये जो मैंने 3 इंच नीचे से छोड़ा है इसकी गुलाई करूंगी। इस तरह से पहले मैं बैक साइड के आर्म होल का निशान लगाऊंगी इस तरह से, उसके बाद फ्रंट साइड का। पहले मैं फ्रंट बैक साइड की ट्राई करूंगी। गले की चौड़ाई होगी 3 इंच। फ्रंट साइड की गहराई होगी 4 इंच और बैक साइड की गहराई होगी 2 इंच। पहले मैं फ्रंट साइड के कंधे की और गहराई कर लूंगी। अब बैक साइड के गले की गुलाई कर दूंगी। अब नीचे से गुलाई भी टाइट कर दूंगी। फ्रंट साइड के गले की गुलाई कर दूंगी। अब यहाँ पे 4-4 इंच पे निशान लगाऊंगी।
ही एंजॉय करूंगी। अगर आपने यहां तक कलियां डाली हैं तो नीचे कलियां डालें। मैं जो है इसके ऊपर पाइपिंग करूंगी, इसलिए मैं ऊपर से भी कटाई करूंगी। इस कपड़े की मैं ऊपर पाइपिंग करूंगी, इससे मैंने ट्रोजर तैयार किया है। ऊपर से लेके मैं यहाँ पे 14 इंच में निशान लगाऊंगी और नीचे जो है नीचे से गेयर खुला है इसी तरह से गेयर के दरमियान में निशान लगाऊंगी। 19 इंच की ये खुला है, तकरीबन मैं 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूंगी। तकरीबन 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी ये वाला, और यहाँ से नीचे तक हल्की सी तिरछी लाइन ड्रा करूंगी। और ये जो मैंने लाइन ड्रा की थी इसे छोड़ दूंगी और इसके ऊपर ऊपर कटाई करूंगी। इस पीस से मैं कटिंग डालूंगी, ये जो मैंने पीस साइड से निकाला था। यहां पे 12 इंच पे निशान लगा के और नीचे से इजाफी पीस टाई लूंगी। अब इस फ्रॉक को इसके ऊपर रखते हुए इन नीचे वाली कलियों की चुड़ाई कर लूंगी। आधा आधा इंच मैंने ऊपर रखा है, जो सिलाई का मार्जिन है मैंने छोड़ा है। इस तरह से पूरे गेयर वाली क्रॉप को भी क्यारी बन जाएगी। जो मैंने इस कपड़े की पाइपिंग निकालनी है ये मैं 1.5 इंच की पट्टी उतारूंगी। इस तरह से ये पाइपिंग मैं फ्रंट साइड पे ही करूंगी। इस तरह से यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद इसे बैक साइड को मोड़ते हुए हल्की हल्की पाइपिंग निकाल लूंगी। ये 2 टायर पहले से फोल्ड है, अब मैं इसकी 4 टाई लगा लूंगी। 4 टाई लगाने के बाद बाजू का नाप लूंगी। बाजू की चौड़ाई मैंने रख दी है 8 इंच। अब अजाफी पीस मैंने साइड पे ये वाला भी निकाल दिया। बाजू की टोटल लंबाई मैंने रख दी है 19 इंच। यहाँ पे आप सीधी लाइन ड्रा करके अजाफी पीस उतार दूंगी। तीन इंच पे मैं बाजू की गुलाई करूंगी इस तरह से। यहाँ पे 11 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी, ऊपर से मैंने 8 इंच तकरीबन छोड़ा है। यहाँ पे ये निशान लगाऊंगी, ये इस जगह तक कटाई करूंगी ट्रोजर वाले कपड़े की। यहाँ से
इसे नाप के मैं उतारूंगी। ये मैंने पीस उतार लिया है और मैं इसकी इस तरह से कटाई करूंगी। इस साइड से 2 इंच इस तरह से छोड़ देंगे और इस साइड से भी 2 इंच ही छोड़ूंगी। ये तिरछी साइड है और इस साइड से भी मैं हल्का सा इसे तिरछा करूंगी, इसलिए मैंने ये 2 इंच कपड़ा छोड़ा था। नीचे से अजाफी पीस जो है वो मैं कटाई कर दूंगी। इसे इस तरह के दरमियान में आके सिलाई लगा दूंगी। अब मैं पाइपिंग वाली पट्टी अटैच कर लूंगी। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा लूंगी। इस तरह से दरमियानी ही मैं इसको निकालूंगी। ये मैंने एक साइड पे पाइपिंग कर ली है, इसी तरह से मैं इस साइड पे भी मोड़ के सिलाई लगा लूंगी। ये जो मैंने साइड पे पीस अटैच करने हैं इनके ऊपर भी पाइपिंग कर लूंगी। फ्रंट साइड के पीसों पे ही पाइपिंग करूंगी। ये 2 पीस बैक वाले निकाल दूंगी और फ्रंट साइड वाले पीसों पे पाइपिंग कर लूंगी इसी तरह की। एक साइड की कली अटैच कर ली है मैंने और दूसरी साइड पे भी इस तरह से मैंने रख के कली को इस तरह से रखते हुए पहले ये कली अटैच की है। अब इसे इस तरह से मोड़ लूंगी और इसके साथ जो कंधे वाली साइड है वो अटैच करूंगी इस तरह से रखते हुए और यहां पे सिलाई लगा दूंगी। और इसी तरह से ये कली, जिस तरह से ये कली अटैच हुई है, इसी तरह से ये वाली कली भी अटैच हो जाएगी। ये कलियां मैंने अटैच कर ली है। इस साइड से थोड़ा सा नीचे से बड़ा है, इसकी कटाई कर दूंगी। ये फ्रंट साइड का दरमियान वाला पीस है, ये साइड वाला पीस है। अब इसके नीचे कली रखूंगी इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। नीचे कपड़ा मैंने आधा आधा इंच इस तरह से नीचे रखना है और ऊपर सिलाई लगानी है। इस इतना कपड़ा रखना है जितना निकले ना सिलाई लगाने के बाद। इस तरह से पहले यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी, यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी, यहां तक ये वाली कली अटैच करूंगी। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी कली रख के अटैच करूंगी। ये दोनों कलियां मैं पहले अटैच करूंगी, उसके बाद साइड वाले पीस ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से
इनके ऊपर रखते हुए साइड वाले पीस यहां तक अटैच करूंगी। ये वाला पीस जो है इसे इस तरह से डबल करते हुए इसके नीचे ये जो ऊपर वाली साइड बच जाएगी यहां पे इस तरह से रख के पहले एक साइड पे सिलाई लगा दूंगी इस तरह से, फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी, इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। बाकी बिल्कुल इसका सिंपल काम है, बाजू में एक बनाकर दिखा देती हूँ आपको। बाजू के ऊपर ये वाला पीस इस तरह से रखते हुए यहां तक सिलाई लगाऊंगी और इसे इस साइड को मोड़ते हुए फिर सिलाई लगा लूंगी। ये सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ आपको। अब इस कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए इसे मोड़ लूंगी, सुई की मदद से इसे बिल्कुल यहां से निकाल दूंगी इस तरह से, नोक को बिल्कुल बाहर निकाल देना इस तरह से। इस तरह से ये बाजू तैयार हो गया। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे मोती अटैच कर दिए हैं ऊपर, आप चाहें तो यहाँ पे बटन भी अटैच कर सकते हैं। ये इसके बाजू तैयार किए हैं, बाजू माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। हल्का सा मैंने फ्लावर बना के यहाँ पे अटैच कर दिया और फ्रंट साइड पे मैंने रेबदार पट्टी कटाई करके वो इसी कलर की लगा दी है और नीचे से फोल्ड करते हुए नीचे गिरे पे भी सिलाई लगा दी है। ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड बिल्कुल ही सिंपल मैंने तैयार की है। गले पे जो मैंने पट्टी अटैच की है वो मैंने गले के साथ रखते हुए गुलाई में कटाई कर ली थी और फ्रंट साइड के लिए अलहदा से तैयार की थी और बैक साइड के लिए अलहदा से, और इसके साथ अटैच करके मोड़ के मैंने इसे हैंड स्टिच मैंने कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।